हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। ये दो क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये हाइपर कंजुगेशन का बेस्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं स्टेबिलिटी में एक जो मिसकॉन्सेप्ट होता है ना वो बताऊंगा कि जब अगर सात मेंबर तक रिंग है ना तो उसमें सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस होता है, लेकिन सात से अधिक अगर कार्बन है तो हमारा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, ठीक है। तो इसमें आइए स्टेबिलिटी ऑर्डर हम निकालना सीखते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले अगर कभी भी एल्कीन दिखता है ना, मतलब अगर एल्कीन दिख गया तो स्टेबिलिटी आपके मन में तुरंत आना चाहिए, स्टेबिलिटी एल्कीन है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी होगा, बस इतना याद रख लो एल्कीन के केस में केवल, ठीक है। अगर एल्कीन दिखता है तो आप यही लगाना है। अब कहोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के बगल, डबल बॉन्ड के बगल ये कार्बन है और ये कार्बन है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, दो हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन चार आ रहे हैं, यहाँ पर भी चार अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी चार अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अब स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताओगे। अब देखो, तो अगर जब पहले तो अल्फा हाइड्रोजन देख लिया करो, जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो ज़्यादा स्टेबल, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो हमेशा याद रख लेना, अगर वो जितने भी कार्बन है, मतलब सात से अधिक अगर कार्बन है तो हमेशा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, अगर कार्बन नंबर क्या है, 11 से अधिक आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या 11 से अधिक आ रहे हैं या 11 आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांस एल्कीन है, आप कहोगे ट्रांस एल्कीन कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड के ये वाला बॉन्ड ऊपर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांस है। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड भी नीचे आ रहा है, ये बॉन्ड भी नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, सिस है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन रिंग के अंदर 11 या 11 से ज़्यादा हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो हमारा ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, ठीक है, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रख लेना। अगर कम हो रहे हैं कार्बन तब सिस वाला मोर स्टेबल, या ये भी लिख लेना, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस जब हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं ना वो लेस देन, मतलब ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11 कर लो, ठीक है ना, तो लगाना। अगर मान लो 11, ठीक है, अगर मान लो कार्बन एटम लेस देन 11 होते हैं तो वहाँ पे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस कर लेना, ठीक है, ये याद रख लेना। अब इस वाले केस में इसमें अगर आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दो, यहाँ पे हैं दो, यहाँ पे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन चार, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही डिफरेंट आ गए। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर डिफरेंट आ गए तो हमारा स्टेबल कौन होगा, ये वाला जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है, ये देख लो, बस सीधे सीधे करना था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।